नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छात्र नेता ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर फर्जी मुकदमा करने का लगाया आरोप। प्रॉक्टर ने कहा, कुलपति ने सोनू राज का नाम डालने के लिए किया बाध्य। लोधीपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच भी गोलीबारी, दो की हालत गंभीर। बांका में प्रेमी युगल को प्रेम करना पड़ा महंगा। संदिग्ध अवस्था में देखने पर महिला के परिजनों ने दोनों की कर दी हत्या। विशाखचक थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी, पीड़ित परिवार ने पुलिस की सक्रियता पर उठाए सवाल। और दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 7 वर्ष की सजा। समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी के विरोध में शुक्रवार को छात्र जदयू ने प्रशासनिक भवन में ताला जड़ दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने देर शाम सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर दो छात्र नेता पर FIR दर्ज करा दिया है। वहीं प्रॉक्टर प्रोफेसर रामसेवक सिंह ने कहा कि छात्र जदयू के प्रदेश महासचिव रूपेश यादव और विश्वविद्यालय अध्यक्ष सोनू राज एवं उनके समर्थकों ने धरना प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक भवन में ताला जड़ दिया और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, जिस कारण विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित हुआ। रामसेवक सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी के निर्देश पर FIR दर्ज कराई है। साथ ही रामसेवक सिंह ने कहा कि छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सोनू राज विरोध में कहीं भी नहीं थे, लेकिन प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने उन्हें सोनू राज का नाम प्राथमिकी में डालने के लिए बाध्य कर दिया और कुलपति ने खुद आवेदन में छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष का नाम जोड़ दिया। इधर फर्जी मुकदमा में फंसाने की शिकायत सोनू राज ने भागलपुर SSP आशीष भारती से की है। जदयू नेता ने SSP को दिए गए आवेदन में कहा कि घटना के दिन वो पटना में था, फिर भी TMBU के प्रॉक्टर प्रोफेसर रामसेवक सिंह ने उनके ऊपर यूनिवर्सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सोमू राज ने आवेदन के साथ SSP को पटना में मौजूद होने का CCTV फुटेज और बस का टिकट भी उपलब्ध कराया। वहीं SSP आशीष भारती ने बताया कि जांच के बाद सोमू राज के आवेदन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इधर छात्र जनता दल यूनाइटेड के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सोमू राज ने प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी एवं प्रॉक्टर प्रोफेसर रामसेवक सिंह पर मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है। माननीय कुलपति महोदय के निर्देश पर मैंने FIR किया है और FIR में मेरे विचार से सिर्फ एक जो महासचिव है छात्र जनता दल यू पर, मैंने उसके ऊपर ही किया था, लेकिन कुलपति जी ने दैनिक पत्र का माध्यम का हवाला देते हुए सोनू राज पर भी मुझे बाध्य किया, जिन्हें उनका भी नाम जुड़ी और तब मैंने उनका भी नाम, दो नाम, अज्ञात नाम दूर हुआ, अज्ञात नाम तो 20 है। मैंने तो स्पष्ट कहा ना, जो मेरे विचार से वो सोनू राज का पर FIR चूंकि था ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, और कुलपति महोदय ने उनके दैनिक पत्र के समाचार में जो उनका ये धरना का दावा था उसके आधार पर कहा इसका भी नाम जोड़िए और उन्हें अपने से खुद जोड़ दिया। कल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है और कल जो विश्वविद्यालय में जो घटनाक्रम हुआ, कल मैं कुछ अपने निजी काम से पटना गया था और विश्वविद्यालय ने फिर भी हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दी। इसके खिलाफ हम लोग आज SSP साहब को आवेदन दिए, सारा एविडेंस उपलब्ध करवाया कि किस बस से मैं पटना गया था, पटना में मैं जहां रुका था वहां का CCTV फुटेज भी माननीय वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है और हम लोग इस फर्जी मुकदमा करने वाले प्रॉक्टर कुलपति पर 10 लाख रुपया मानहानि का मुकदमा मैं दर्ज करूंगा। भागलपुर लोधीपुर थाना क्षेत्र के पूरब टोला स्थित कवाड़ी टोला में जमीन विवाद को लेकर शनिवार को दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी हुई। घटना में बिट्टू नामक युवक को गोली लग गई, जबकि एक को कुल्हड़ी मारकर घायल कर दिया गया। दोनों घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तरी देने को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर मारपीट के बाद दूसरे पक्ष ने गोली चला दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद लोधीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। मामला हुआ सर, यह जमीन का मामला था, ठीक है ना। जमीन में आपको रोकने गए तो जब आप रोक दिए जमीन को तो ये मान लिया, फिर ये रोकने गए
तो आप लोग जो है न माने और आदमी को बुला करके मारपीट करवा दिए। हमारा जावेद लोग आदमी को बुलाया था, जावेद सर वसीम था, रजाउल था, बाहरी आदमी को बुला करके मार करवाया सर। वो लोग तो सर पूरा गोली बम चलाया, गोली देके बिट्टू को भी लगा है। बौसी थाना क्षेत्र के सांगा घुटिया गांव में शुक्रवार की देर रात प्रेमी युगल सुशिंद्र मंडल एवं सुमति देवी की पीट पीट कर एवं गला घोट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी फरार हो गए हैं। घटना को लेकर बताया गया कि घुटिया गांव के बिहारी मंडल का 32 वर्षीय पुत्र सुशिंद्र मंडल पड़ोस के झारू दास की पत्नी सुमति देवी से प्रेम करता था, जिसका दोनों के परिवार वाले विरोध कर रहे थे। बता दें कि दोनों शादीशुदा थे और दोनों को दो दो बेटियां एवं एक बेटा भी है। वहीं शनिवार की सुबह सुमति देवी के घर से दोनों का शव मिलने के बाद पड़ोसियों ने हत्या की जानकारी पुलिस को दी। पड़ोसियों ने सुमति के परिवार वालों पर दोनों की हत्या करने का शक जताया है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। मतलब चल रहा था, ये अलग गांव में, हाफ डेढ़ किलोमीटर अलग गांव में, हम डेढ़ किलोमीटर अलग गांव में थे। तो ये मेरा भाई है। तो ये घटना कैसे घटी? ये घटना मतलब घर से मेरे बाहर चले गए थे कमरे के लिए, वहाँ से आए तो डायरेक्ट वहीं चले गए थे, तो अपने मारपीट करके जो भी कुछ समाप्त कर दिए। सुबह हमको पुलिस की नाक में दम करने के साथ ही चोरों ने आम लोगों का चैन भी छीन लिया है। आलम यह है कि आए दिन पैसे वालों के फ्लैटों और मकानों के ताले टूट रहे हैं और रात्रि गश्त का दावा करने वाली भागलपुर पुलिस सो रही है। यही कारण है कि बेखौफ चोर इशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर, बरेपुरा, इस्लाम नगर समेत आसपास की कॉलोनी में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर आराम से फरार हो जा रहे हैं और पुलिस केस दर्ज करने तक ही सीमित है। पुलिस के आला अधिकारियों को भी शहर में हो रही चोरी की घटनाओं के बारे में फिक्र नहीं है। जानकारों की माने तो इशाकचक थाना क्षेत्र छोटी रेलवे लाइन के चोरों को दरवाजा का ताला तोड़ने में महारत हासिल है, जिस कारण पौस एरिया में चोर के कई गिरोह सक्रिय हैं। इन गिरोह में शामिल चोर चोरी करने में बहुत माहिर हैं। रेकी करने के बाद ये चोर बंद आलिशान मकानों और फ्लैटों को अपना निशाना बना रहे हैं। एक गिरोह खिड़की की ग्रिल उखाड़ कर चोरी करता है तो दूसरा गिरोह चार दीवारी फांद कर मकानों में दाखिल होकर नंगे पैर कमरों में घुसता है और तालों का कुंडा तोड़कर कमरों को खंगालता है। चोरों का दूसरा गिरोह ताला तोड़ने में माहिर है, ये लोग आसानी से हाथ साफ कर लेते हैं। ताजा मामला इशाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के समीप का है, जहां चोरों ने इसी माह के पहले सप्ताह में लगभग 12 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मकान मालिक मोहम्मद आफताब ने बताया कि पिछले दिनों वह परिवार सहित दूसरे राज्य घूमने गए थे, इसी बीच चोरों ने उनके घर चोरी कर ली, जिसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ लिया और इशाकचक थाना के इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने चोर को बचाते हुए किसी दूसरे थाना को सौंप दिया। वहीं वार्ड नंबर 33 रमजान अली लेन के मोहम्मद चांद अजीज ने इशाकचक थाना में आवेदन देकर जमीन का कागजात चोरी कर लिए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। इधर इशाकचक थाना क्षेत्र के ही टिक्का खान ने कहा कि थाना की पुलिस रात्रि गश्ती के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, जिस कारण इलाके में चोरी की घटना बढ़ गई है। टिक्का खान ने बताया कि 20 अगस्त को इस्लाम नगर में डॉक्टर रब्बानी के घर चोरी हुई थी और 21 अगस्त को डॉक्टर इजहार गली के नशर आलम के यहाँ। गौरतलब हो कि शुक्रवार की रात बरेपुरा पूरब टोला में घर के मालिक ने मोहल्ले के ही एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद चोर ने लिख कर दिया कि वो अब चोरी नहीं करेगा, इसके बाद उसे छोड़ा गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो कई चोर रात 12 बजे के बाद कोबरा ड्रेस पहनकर निकलते हैं और हथियार से लैस होकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। चोरी की घटना से परेशान लोगों ने इशाकचक थाना पुलिस पर चोरों से गठजोड़ करने का भी आरोप लगाया है। जो मेरे यहाँ 2 साल से काम किया है लड़का, एक मोहम्मद कासिम, एक इसराइला नाम है, वो लोग काम करके 2 साल पूरा एक्टिविटी उसी का है, पूरा बॉडी लैंग्वेज उसी का है, जो चाल चलन पूरा कैमरे में मेरे फुटेज में दिखा रहा है वही लड़का का। मैंने पुलिस को भी कंप्लेन किया, उस लड़के को घर से उठवाया भी जाके हम लोग कि ये लड़का है, पुलिस को बताया भी। पुलिस उठा करके फिर लेके आती है थाने और फिर जब हम लोग घर आ जाते हैं फिर बाद में जब जाते हैं थाने तो देखते हैं कि पूछते हैं तो वो लड़का रहता नहीं है वहाँ पे, और पूछते हैं कहाँ है वो लड़का, तो वो लड़का वो बताती है पुलिस इशाकचक थाना की कि वो दूसरी पुलिस 0 माइल की वो लोग को लेके चले गए, क्योंकि उसका केस 2018 का डकैती काम में पहले से फरारी था। हम 9 तारीख को घर गए थे नारायणपुर थाना बीपुर, वहाँ से जब आने के बाद
14 तारीख को वहाँ से आए नैनपुर थाना बीहपुर से भागलपुर, तो यहाँ देखा कि हमने ताला खुला हुआ था मेन गेट का और रूम का और सामान बिखरा पड़ा हुआ था गली में। डॉक्टर इजहार साहब के बगल में हमारा घर है, उस गली में 21 सितंबर को लगभग चोर घुसा था 1:50 के आसपास। तो खटखट की आवाज़ सुनने के बाद जब हम घर से निकल कर गए तो चोर को हमने पकड़ लिया। वो दोनों कोबरा ड्रेस में नकाब पोश में था, उन्होंने पिस्तल हमारे ऊपर में तान दिया। उसके बाद उठा पटक बहुत ज़्यादा हुआ, होने के बाद जाकर वो हमसे छुड़ाकर भाग गया। उसके बाद ऐसा कर थाना को फ़ोन करने के बाद पुलिस आई, पुलिस भी हमको देखा कि हम पूरा लथपथ थे। उसके बाद भी है तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। और इसाक चक के क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में बरपुरा भीकनपुर इस्लाम नगर एरिया में पेट्रोलिंग भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण है तो चोरी की घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कहीं पुलिस की इसमें मिली भगत तो नहीं है। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को 7 वर्ष पूर्व नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी को 7 वर्ष की कठोर कारावास का दंड दिया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए कांड के आरोपी प्रेम मंडल को सजा सुनाई गई, साथ ही पीड़िता को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया। बता दें कि घटना सबौर थाना क्षेत्र में 15 मार्च 2013 को हुई थी। दो केस में, एक में सजा के बिंदु पर सुनवाई थी और एक को सजा के लिए रखा गया था, जिसमें एक सबौर थाना कांड संख्या में प्रेम नारायण मंडल जिसमें अभियुक्त थे, सजा के बिंदु पर उसको 376/511 में 7 साल की सजा सुनाई गई। और सजा सुनाई गई और पीड़िता को भी इसमें जो है मुआवजा सरकार की ओर से उसको 2 लाख रुपया दिया गया। भागलपुर स्टेशन चौक के समीप शनिवार को नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना का नेतृत्व कर रहे भागलपुर तिलकामांझी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र ने मौजूदा सरकार के कार्य पर विरोध जताते हुए कहा कि भागलपुर शहर का इतिहास काफी पुराना रहा है और हाल ही में इसे स्मार्ट सिटी का भी दर्जा मिल चुका है, लेकिन विकास के नाम पर शहर अन्य शहरों के मुकाबले काफी पीछे रह गया है। डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि जर्जर NH-80, भोलानाथ पुल, जाम की समस्या, भागलपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय, हवाई अड्डा, सिल्क उद्योग व भागलपुर DRM कार्यालय की मांग को लेकर यह भी कहा कि वर्षों से शहर का विकास सिर्फ चुनावी हथकंडा बनकर रह जाता है। वहीं प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर योगेंद्र समेत संस्था के तमाम सदस्य व कई बुद्धिजीवी मौजूद थे। संघर्ष मोर्चा के द्वारा धरना दिया जा रहा, धरना का उद्देश्य ये है कि स्पेशल ट्रेन के नाम पर जनता से पैसा उगाही की जा रही है। दूसरी बात यह है कि भागलपुर में DRM ऑफिस होना था, लालू जी के समय ये तय हुआ था, स्वीकृत हुआ था, वह DRM ऑफिस आज तक नहीं है। रेलवे का निजीकरण चल रहा है, निजीकरण किसके नाम पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। नवगछिया बीहपुर के जयरामपुर गुवारी डी बहियार में कोसी के तट पर चंपा सभ्यता होने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता का विकास करीब 2.5 से 3 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। नदी के तट से हाथी के दांत, मिट्टी का लोटा, चंदन घिसने का पात्र, कलशनुमा पात्र सहित अन्य अवशेषों को बरामद किया गया है। इसके अलावा पुरातत्व स्थल के पास से हिरण का चित्र अंकित किया हुआ मुहर भी मिला है। हालांकि इस पर विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतांतर है। कुछ इतिहासकारों की माने तो यहाँ मिले पंचमार्क सिक्के का चलन कभी मगध साम्राज्य में हुआ करता था, जबकि कुछ इतिहासकार चंपा सभ्यता के विकसित होने की बात कह रहे हैं। बता दें कि 16 दिसंबर को पटना से पुरातत्व विभाग की 2 सदस्यीय टीम डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में गुवारी डी पहुंची। टीम के सदस्य अवशेषों का अवलोकन एवं फोटोग्राफी कर रहे हैं। उन्होंने बरामद सामग्रियों को लगभग 3 हजार वर्ष पुराना बताया। वहीं अवशेषों का निरीक्षण करने के बाद विधायक शैलेंद्र ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुरातत्विक विभाग से बरामद सामग्रियों की जांच करने की बात कही थी। साथ ही सूबे के मुखिया नीतीश कुमार खुद भी बरामद अवशेषों का निरीक्षण करने बीहपुर के कोशी तट पहुंच सकते हैं। इधर ग्रामीण पुरातत्व स्थल को लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाई जा रही मिशन साहसी कार्यक्रम का शनिवार को प्रशिक्षण किया गया। इस दौरान सुंदरवती महिला कॉलेज में छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट कोच ने सभी छात्राओं को कई दाव पेच सिखाए, साथ ही बताया कि कैसे किसी भी विषम परिस्थिति का वह खुद ही डटकर सामना कर सकती है।
इसके अलावा कैसे मनचलों का सामना कर उन्हें सबक सिखाया जाए उसकी भी ट्रेनिंग छात्राओं को दी गई। मिली जानकारी के अनुसार वहां मौजूद प्रशिक्षक भागलपुर जिला कराटे एसोसिएशन के सदस्य हैं और मिशन साहसी के तहत यह ट्रेनिंग अगले 7 दिन तक छात्राओं को मुफ्त में दी जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मिशन साहसी का कार्यक्रम, जो कि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, उसका प्रशिक्षण आज एसएम कॉलेज के ग्राउंड में छात्राओं के बीच दिया जा रहा है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, छोटा छोटा टेक्निक सिखा रहे, क्योंकि हम लोग को बहुत कम टाइम मिला है, 5 ही दिन मिला है, इसलिए ये लोग ऐसे ऐसे टेक्निक बता रहे जो हम लोग यूज़ कर सके और अच्छे से सीख सके, कोई हम लोग के ऊपर अटैक करे तो अपने आप को छुड़ा सके और भाग। बिहार प्रदेश मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से भागलपुर स्टेशन चौक के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। वहीं धरना पर बैठे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक अल्तमस बिहारी ने कहा कि पाकिस्तान को चेतावनी कार्यक्रम के अंतर्गत धरना दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने फारूक अब्दुल्ला भारत छोड़ो और महबूबा मुफ्ती भारत छोड़ो के नारे भी लगाए। संयोजक ने कहा कि चाइना व पाकिस्तान के मंसूबे को हम भारतीय कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोगों ने ये दूसरा कार्यक्रम पाकिस्तान को चेतावनी नामक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को चेतावनी दे रहे हैं, जिन्होंने कहा कि मुझे तिरंगा ज़्यादा प्यारा नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे भारत से ज़्यादा चीन पर भरोसा है, इसलिए मैं उमर अब्दुल्ला और महबूबा से कहना चाहता हूं कि अगर भारत आपको पसंद नहीं है, चीन पसंद है, तिरंगा पसंद नहीं है, तो आप भारत छोड़कर अपने पसंद के देश में चले जाएं। भागलपुर JLNMCH अस्पताल परिसर में शनिवार को एक प्रयास संस्था की ओर से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति में रक्तदान शिविर लगाया गया। वहीं संस्था की उपाध्यक्ष नशीमा दिलकश ने बताया कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे महान उपन्यासकार की याद में संस्था के माध्यम से रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसके तहत 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति आकर रक्तदान कर सकता है। उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि COVID-19 के समय जरूरतमंदों को रक्त की कमी होती थी, जिसके बाद शिविर में संस्था के कार्यकर्ता समेत अन्य लोगों ने भी अपना रक्त दान दिया था। आज एक प्रयास जो हमारी संस्था है उसके द्वारा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के स्मृति में आज ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है ब्लड बैंक मायागंज में, और अभी 10 बजे से 4 बजे तक इस कैंप का आयोजन किया गया है। बढ़ते ठंड को देखते हुए सिलहन खजूरिया पंचायत के मुखिया सुभाष चंद्र भगत और सनौला प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सुजीत कुमार ने लगातार तीसरे दिन पंचायत में घूमकर कंबल का वितरण किया। कंबल वितरण के दौरान मुखिया सुभाष चंद्र भगत ने कहा कि गरीब परिवारों को ठंड में काफी परेशानी होती है, इसीलिए जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर उप मुखिया संतोष कुमार भगत, मोहम्मद गफ्फार आलम समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। अवंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छात्र नेता ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर फर्जी मुकदमा करने का लगाया आरोप। प्रॉक्टर ने कहा कुलपति ने सोनू राज का नाम डालने के लिए किया बाध्य। लोधीपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच भी गोलीबारी, दो की हालत गंभीर। बांका में प्रेमी युगल को प्रेम करना पड़ा महंगा, संदिग्ध अवस्था में देखने पर महिला के परिजनों ने दोनों की कर दी हत्या। इशाकचक थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ी, पीड़ित परिवार ने पुलिस की सक्रियता पर उठाए सवाल। और दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 7 वर्ष की सजा। आज की बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।